up. Got me all stuck, chasing that rush. Had to give up. I just want to. अस्सलाम वालेकुम, होप सो यू आर डूइंग गुड। मैंने इतनी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था, मुझे तो याद भी नहीं है कि मैंने किस किस यूनि में जो है ना ऑनलाइन अप्लाई मैं कर चुकी थी। जहाँ से मैं सुनती थी ना कि ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है, वहाँ पे मैं भाग के जाके वहाँ पे अपना ऑनलाइन जो है ना वो फॉर्म फिल कर देती थी। अच्छा, मैंने लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से भी जो है वो कॉल आ चुकी थी कि अपना के जो है ना फीस ना ले जाएँ आप हमसे, सेम एज इट इज़। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर मुझे बहुत दूर पड़ी थी, तो मेरी मामा जी का इतना दिल नहीं मान रहा था कि मैं अपनी बच्ची को इतनी दूर भेजूं। खैर, जब फातिमा मेमोरियल वालों की तरफ से मुझे आया तो मुझे याद भी नहीं था कि यार मैंने इस यूनिवर्सिटी में भी दिया हुआ था या नहीं दिया हुआ था। खैर, जब इस यूनिवर्सिटी से मुझे फ़ोन आया तो मामा ने कहा कि आप चलो हमने इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। मैंने कहा सोच लें आप, क्योंकि मैंने यहाँ पर भी सिर्फ दो में ही, क्योंकि जिस भी यूनिवर्सिटी में मैंने दिया मैंने सिर्फ दो में दिया, एक फिजियोथेरेपिस्ट में और एक न्यूट्रिशनिस्ट में, इन दोनों में से किसी एक में भी हो जाए मेरा तो वेल एंड गुड। तो जो UOL में हुआ था मेरा, वहाँ पे भी मेरा DPT में हुआ था, वहाँ की फ़ीस थी 170,730 एक सेमेस्टर की, ठीक है। और जो यहाँ पे मेरी फ़ीस है वो यहाँ पे थी 165,530, सिर्फ 5,000 का फ़र्क था। तो अब हम जब वहाँ पे गए, जब सर का फ़ोन आया सर मुझे कहते हैं मिस राबे इमरान बात करी, मैंने कहा यस सर बात कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपका जो है ना एडमिशन हो गया है DPT में इन फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल। तो मैं जस्ट किया ये क्या था, क्योंकि मेरी मामा की ड्रीम थी कि मेरा जो है ना FMH में एडमिशन हो मेरा। मैं कहती थी मामा नहीं होना, क्योंकि वो बहुत ना मतलब सेमी गवर्नमेंट स्टाइल यूनिवर्सिटी, थोड़ा ना 80% प्राइवेट स्टाइल है वो यूनिवर्सिटी। मैंने कहा मामा इतना ज़्यादा नहीं होगा, तो हम ना रीज़नेबल कोई देख लेते हैं जो। तो फिर हम उस यूनिवर्सिटी गए, मामा कहती चलो एक दफ़ा जाते हैं चेक करते हैं क्या सीन है वहाँ पे। मैंने कहा ठीक है। अब हम लोग जब उनसे पूछ रहे, उन्होंने कहा कि मैंने आपको फ़ोन किया था। मैंने कहा सर आपने मुझे ना फ़ोन किया था। तो कहते हैं कि जी आप मिस राबिया हैं। मैंने कहा जी सर। तो कहते हैं कि ये आपका फ़ीस चलान है, आप अपना फ़ीस चलान लें और अपनी जो है ना सीट रिज़र्व करवा लें। सो मैंने सर से पूछा, मैंने कहा सर अभी तो टाइम है रिज़ल्ट में, मेरा तो अभी इंटर का रिज़ल्ट नहीं है और मेरा MD CAT में नंबर भी कोई इतने अच्छे नहीं है कि मेरा मेरिट बन सके। तो सर ने कहा कि यहाँ पर DPT के लिए आपको MCAT की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे मेरा दिल मुतमइन हो गया। फिर उसके बाद जब सर ने बताया कि जो आपका एडमिशन है वो हुआ है आपका मैट्रिक बेस पे, यहाँ पे फ़िलहाल ओपन मेरिट चल रहा है। मैंने कहा ठीक है। सर ने कहा जो इंटर के बाद लिस्ट लगेगी ना उन बच्चों का एडमिशन होगा मेरिट की बेस पे। तो वहाँ पे मुझे एक चीज़ ना फटाफट क्लिक हुई कि अगर मैं यहाँ पर ये सीट छोड़ देती हूँ, ठीक है, अगर मैं ये सीट छोड़ देती हूँ, मैं अपने दिमाग में रखती हूँ कि मैंने किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, ठीक है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में जो है ना हमारे आसपास या करीब तीन पूछ लो सिर्फ तीन यूनिवर्सिटीज़ हैं गवर्नमेंट, एक किंग एडविट, एक डी मॉन्टेमोरेसी है और एक और यूनिवर्सिटी है, मेरा जहन से निकल गया। ये तीन सिर्फ जो है ना यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारी गवर्नमेंट की, बाकी सारी जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सारी या तो सेमी गवर्नमेंट है या फिर प्योर प्राइवेट है वो, ठीक हो गया। अच्छा, अब जब मैंने यहाँ पर सोचा था, मैंने कहा यार अगर मैंने यहाँ पर ये वाली सीट छोड़ दी ना फातिमा मेमोरियल वाली, तो जो है ना गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में अगर मेरा एडमिशन ना हुआ तो, क्योंकि उनका मेरिट अभी नहीं पता किस, और किंग एडमिट का मेरिट तो हमेशा स्टार्ट ही वो लोग 800-900 से, मेडिकल वालों का तो स्टार्ट ही 900 से करते हैं। इतना यकीन है मुझे खुद पे कि मैं 850 क्रॉस कर जाऊँगी नंबर, इंटर में इतने नंबर आ जाएंगे अपने पेपर्स दिए हैं, इतना यकीन है मुझे। लेकिन फिर भी एक जो इंसान को होता है कि अगर मेरा मेरिट ना बना तो मेरे पास वो गवर्नमेंट वाली सीट तो जाएगी जाएगी, ठीक है। यहाँ से जो मुझे अभी सीट मिल रही है ना FMH में, मेरे पास ये भी नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहना था। और फिर तीसरी ऑप्शन लास्ट में बचनी थी सेल्फ फाइनेंस, और वो मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकती कि मैं सेल्फ फाइनेंस पे पढ़ूँ। मेरिट पे पढ़ना और किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ना बहुत ज़्यादा ना मैटर करता है कि आप मेरिट पे पढ़ रहे हो और आप दूसरा अच्छे प्राइवेट अच्छे यूनिवर्सिटी या अच्छी इंस्टीट्यूट से आप अपने मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हो, ये मैटर नहीं करता है कि आप जो हो गवर्नमेंट में हो या प्राइवेट में हो, बस इंस्टीट्यूट का नाम होना चाहिए। तो फातिमा मेमोरियल का नाम बहुत है। और दूसरी चीज़, मुझे इधर उधर खज्जल खवार नहीं होना पड़ा था अपनी डिग्री ले लेके कि मुझे जो है ना बाद में मुझे जॉब ऑफ़र कर दें। फातिमा मेमोरियल वाले जो हैं अपने ही हॉस्पिटल में हाउस जॉब ऑफ़र करते हैं। तो मैंने कहा चल भाई बंदी अल्लाह का नाम ले, चलान फॉर्म ले और भर दे। अब जब मैंने पहला चलान फॉर्म रिसीव किया तो उस पर था एडमिशन फी, ठीक है, उस पर दूसरी चीज़ थी सिक्योरिटी, 5,000 थी वो, और तीसरी चीज़ थी उसमें ऑनलाइन अप्लाई,
जो मैंने किया हुआ था उसकी फ़ीस थी, वो थी 1500 रुपया। तो ये टोटल मेरा बना था 26,526 समथिंग, इतना ही कुछ बना था, ठीक है। तो ये मेरा था एडमिशन जो फर्स्ट थी। अब सर ने मुझे कहा कि बेटा आपके जो है ना 5 सेमेस्टर हैं, 5 साल हैं, मतलब आपके 10 सेमेस्टर हैं। तो एक सेमेस्टर की फीस है आपकी 1,65,000, ठीक है। तो मैंने सर को कहा, मैंने कहा सर ये तो मतलब सही है, नॉर्मल है मेडिकल के लिहाज से। तो मैंने कहा सर आगे जाके कोई कमी पेशी नहीं होगी। सर ने कहा 2 साल जो है ना, दो सेमेस्टर जो हैं अच्छी तरह मेहनत कर लो कि यूनिवर्सिटीज में जो भी पॉइंट्स होते हैं वो आपके इतने अच्छे हो जाए, तो वहाँ पे जो है ना 2 सेमेस्टर के बाद आपकी जो है वो स्कॉलरशिप ऑफर हो जाती है आपको। और वो स्कॉलरशिप होती है 10 से लेकर 50% तक। 50% फीस का कम होना बहुत चीज़ है। तो मैंने कहा ठीक है सर, आप मेरा चलान फॉर्म निकाल दें और मुझे आप जो है वो दे दें, ताकि मैं जाके अपना चलान फॉर्म भर लूँ और अपनी सीट रिजर्व करवा लूँ। तो फिर मैंने सर से पूछा, मैंने कहा सर अगर मैं यहाँ पे अपना मतलब थोड़ा वेट कर लेती हूँ, अगर मैं रिजल्ट तक का वेट कर लूँ, जो PMC का जो भी इशूज़ चल रहे हैं अगर वो कर लूँ मैं। तो सर ने कहा कि बेटा पहली बात तो ये कि PMC का जो भी इशू चल रहा है ना, अभी किसी को नहीं पता कि उसका रिजल्ट क्या निकलना है, आप लोगों के साथ क्या होना है। और अगर जो यूनिवर्सिटीज़ PMC का वेट कर रही हैं या उनके रिजल्ट पे बैठे हुए हैं, तो उन्होंने करते करते नवंबर दिसंबर कर देना है, मतलब जो नया बैच स्टार्ट होगा वो दिसंबर में होगा, जनवरी से होगा। और जो ये जो FMH वाले हैं ये अपनी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं 15 अक्टूबर से। उससे पहले एक ओरिएंटेशन डे रखा हुआ है उन्होंने, जिसमें मैंने जाना है। मतलब उन्होंने कहा था कि आपको कॉल आ जाएगी कि आपका ओरिएंटेशन डे इस दिन है, तशरीफ़ लाएँ, अपनी बुक्स देखें, अपने टीचर्स से मिलें, अपने इंस्टीट्यूट को देखें, एक दफ़ा घूमें फिरें, और उसके बाद 15 अक्टूबर से आप आके अपनी क्लासेस स्टार्ट कर दें। तो मैंने जस्ट मामा से पूछा, मैंने कहा व्हाट शुड आई डू। तो उन्होंने कहा कि बस ठीक है, वो वाली बात भी ठीक है आपकी, कि अगर ये चला गया, ये वाली सीट भी चलेगी, गवर्नमेंट में भी नाम ना आया हमारा, तो फिर तो सेल्फ फाइनेंस बचना है, और अगर मैं सेल्फ फाइनेंस नहीं करती तो फिर मेरा ये साल ज़ाया हो जाना था। तो मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती थी, क्योंकि ये मेरा फ्यूचर का सवाल था। तो मैंने फिर मामा से कहा कि आप ना एडमिशन मेरा इधर करवा दें। तो फिर ये कि मैंने फिर अपने यहाँ पे जो है अपना फीस जो है सबमिट करवा दी, और मेरी सीट यहाँ पे रिजर्व होगी। अब वहाँ पे सर कहते हैं कि हमारे जो है ना यहाँ पे मिनिमम सीट्स होती हैं, यहाँ पे हम लोग जो है ना 100 बच्चा, मतलब अकॉर्डिंग टू सर 100 बच्चे जो है ना यहाँ पे एडमिशन सीट्स हमारी होती हैं 100 बच्चे की, जो मेरिट पे बनती हैं। सेल्फ फाइनेंस तो फिर ख़त्म ही हो जाता है ना। तो सर ने कहा कि आप अगर यहाँ पे अपनी सीट रिजर्व करवा लेते हो तो बाद में जो है ना 30-30 के सेक्शंस बन जाते हैं, 30 एक तरफ 30 एक तरफ और 30 एक तरफ, और फिर आप लोगों को उनमें डिवाइड किया जाता है, और आप 30-30 बच्चों पे अलग अलग तवज्जो दी जाती है। तो आप लोग को इतना कोई मसला नहीं कि आपको 100 बच्चों में हम कैसे पढ़ेंगे, 100 बच्चा नहीं होता, 30-30 के अलग अलग 3 ग्रेड्स बन जाते हैं आप लोगों के, और ये आप लोग वो बच्चे होते हैं जो मेरिट पे पढ़े होते हैं। बाद में फिर सेल्फ फाइनेंस वाले आते हैं। अच्छा, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब दूसरी बात थी कि अप्लाई किस तरह करना। अप्लाई करने का ये तरीका है कि जब आप गूगल करते हो ना, तो आपको सर्च करना है NUR, ठीक है। ये है नेशनल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, ये NUR इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है। जब आप इसको स्क्रॉल डाउन करते हो, आपके पास नीचे आता है एडमिशन फॉर्म, ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म। जब आप उसको खोलते हो, अभी तक इनके एडमिशंस खुले हुए हैं, जब आप इसको खोलते हो तो आपके पास वो आगे एक सेक्शन शो करता है कि आपने मिनिमम कोई सी 4 अपनी जो है ना प्रोग्राम्स चूज करने हैं। उन्होंने सारी प्रोग्राम्स की लिस्ट दी होती है, आपको उनमें से एक जो 4 आपने करने होते हैं आप उन पर टिक लगा सकते। अच्छा, उसके बाद फिर आप उसको थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करते हो तो नीचे आपके पास एडमिशन फॉर्म होता है, जिसमें आपने अपना नेम, फादर नेम, अपना CNIC या बेक फॉर्म, आपका एड्रेस, जो जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन मांगी होती है आपको वहाँ पे वो पुट करनी होती है। अच्छा, उसके बाद ना नीचे लास्ट नीचे आता है मार्क्स ऑब्टेंड का, वहाँ पे 9th के मार्क्स अलग से लिखने होते हैं, ठीक है, 9th के, और उसके बाद आपको लिखना होता है 10th के मार्क्स, और उसके बाद फर्स्ट ईयर का है तो वो तो हम लोग प्रमोटेड हैं, तो आपने वहाँ पे कुछ नहीं लिखना होता। वो 4 सेक्शंस बने होते हैं, आपने सिर्फ 9th और 10th को फिल करना, बस इसके अलावा कुछ नहीं। आपने इकट्ठा 9th 10th नहीं लिखना, पहले ऊपर 9th का, फिर नीचे 10th का लिखना, और इस तरह करके आपने फिर आके स्क्रॉल डाउन करना। लास्ट पे जो है वो आपको एक छोटा सा बॉक्स दिया होगा, आई एग्री करके समथिंग लिखा होगा, आपने उसको टिक करना और आपने अपने फॉर्म को सबमिट कर देना। जैसे ही आप सबमिट करोगे आपको मेल आ जाएगी, जो सा आपने जो ईमेल दिया होगा अपना उस फॉर्म में, आपको एक मेल आ जाएगी कि डियर स्टूडेंट, आपका जो है जो भी नाम है आपका, जैसे मेरे इधर ईयर आप इमरान, योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, वेट फॉर योर नेक्स्ट आवर रिस्पॉन्स। मैंने फिर जब ये किया तो उसके बाद मैंने उनके उसका वेट किया। अब सवाल ये है कि फातिमा मेमोरियल और ये NUR का क्या सीन है।
सीन ये है कि ये अफिलेटेड है फातिमा मेमोरियल वाले इस यूनिवर्सिटी से। जो हम लोगों को डिग्रीज मिलती हैं वो हम लोगों को इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से मिलती हैं, और हम लोगों ने जो क्लासेस लेनी है वो भी NUR के इंस्टीट्यूट जाके ही लेनी है, जो कि है रायवेंट रोड नियर बहरिया ऑर्चर्ड के पास। ठीक है, लोकेशन जी कितनी परफेक्ट याद है। अच्छा, यहाँ पे जो है क्लासेस होती हैं, और उसके बाद ये जो शादमान वाला कैंपस है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको BDS और MBBS ऑफर करते हैं, बस ये दो जो है ना ये इस शादमान वाले कैंपस में होते हैं। और उसके बाद जब आप लास्ट सेमेस्टर में प्रैक्टिकल्स कर रहे होते हो ना, आपको उस कैंपस से उठा के शादमान वाले कैंपस में शिफ्ट किया जाता है कि ये बच्चे वो हैं जो अब वो कर रहे हैं, मतलब प्रैक्टिकल में आ गए ये बच्चे। और फिर उसके बाद प्रैक्टिकल्स के बाद आपको शिफ्ट कर दिया जाता है FMH हॉस्पिटल में, फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल में आपको शिफ्ट कर दिया जाता है कि ये बच्चे अब जो हैं हाउस जॉब के लिए तैयार हैं, अब आप इनको हाउस जॉब करवाओ और बस ख़त्म करवाओ इनका। तो ये प्रोसीजर है, बहुत छोटा सा प्रोसीजर है, और मुझे सिर्फ UOL का पता है। UOL का भी सेम प्रोसीजर, आप यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर लिखो, स्क्रॉल डाउन करो, नीचे आपके पास एडमिशन फॉर्म आता है, एडमिशन फॉर्म फिल करो और अपना फॉर्म सबमिट कर दो। जो दो तीन यूनिवर्सिटीज आपको नाम पता है ना, आप सब में अपना ना फॉर्म फिल कर दो, सेम एज इट इज़ मैंने सुपीरियर यूनिवर्सिटी में भी किया था। सुपीरियर वालों की तरफ से भी मुझे कॉल आ गई कि मैडम आप आए और अपना फीस चला दीजिए, लेकिन मैं अपना फातिमा मेमोरियल में करवा चुकी हूँ, तो बस सब यूनिवर्सिटीज़ के सारे काम ख़त्म। आप सिर्फ 15 अक्टूबर से पहले, और ये इसके वेट है जब ये मेरी, जब मुझे कॉल आएगी कि आपका ओरिएंटेशन डे है तो शरीफ ले आए आप हमारी यूनिवर्सिटी। तो बस अब ये छोटा सा जो है आज, मतलब यही वीडियो थी कि आपने जो है अप्लाई किस तरह से किया था डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में। तो मैंने 3 यूनिवर्सिटीज़, इसके अलावा और भी यूनिवर्सिटीज़ थी जहाँ पर मैंने अप्लाई किया, लेकिन कहीं से मुझे कॉल नहीं आई, मतलब कहीं कहीं से, जैसे मैंने सर्विसेज में अप्लाई किया था वहाँ से मुझे कॉल नहीं आई। और उसके अलावा एक और यूनिवर्सिटी में मैंने अप्लाई किया था, वहाँ से भी मुझे कॉल नहीं आई। तो बाकी 3 जगह से आ गई, सुपीरियर से और UOL से, और तीसरी थी ये फातिमा मेमोरियल। सेल्फ फाइनेंस से ये 1,65,000 बहुत बेहतर है। और दूसरी चीज़ यही मेन कि अगर आप लोग भी इंटर के रिज़ल्ट का वेट कर रहे हो और ये सोच रहे हो कि हम लोग जो है इंटर के रिज़ल्ट के बाद किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में, अगर आपको खुद पर यकीन है कि हाँ मैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के मेरिट पर आ जाऊँगी, फिर तो चिल करो आप, कोई मसला नहीं है। बट अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है ना कि यार अगर ना हुआ तो फिर आप यूनिवर्सिटी में जो है अपनी सीट रिजर्व करवा लो। अगर गवर्नमेंट में आ भी गए तो कोई नहीं, आपके हक़ में जो बेहतरीन होगा वही, जो लिखा होता है ना वही हर हाल में होना होता है। मेरे हक़ में प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी, मतलब ये फातिमा मेमोरियल था, तो मेरे हक़ में हो गया। अगर फिर भी कुछ समझ नहीं लगी कि किस तरह से एडमिशन का करना है या क्या सीन है एडमिशन का, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो। बस अल्लाह हाफिज़।